हेलो गाइस, एक बार फिर से हम हाजिर हैं बिहार से रिलेटेड वैकेंसी लेकर आपके सामने। क्योंकि बिहार यानी बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है तो स्टूडेंट बहुत भारी मात्रा में फॉर्म भरते हैं, तो इस बार भी ये वैकेंसी आई हुई है और जो भी इसमें इच्छुक विद्यार्थी हैं वो अपना फॉर्म जरूर भर सकते हैं। इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मात्र ये 5 से 7 मिनट की वीडियो देख लेने के बाद आपको इसके सभी इम्पोर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट जो भी इसकी थिंग्स हैं एड से रिलेटेड और साथ में इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सबसे रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी और आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट 5 नवंबर दी गई है, यानी 5 नवंबर से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और जो लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो 14 नवंबर रहेगी। इस बीच आप अपने फॉर्म को फीस भर सकते हैं और उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर रहेगी, यानी 14 नवंबर तक केवल आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यदि रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो समय रहते रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। बात की जाए इसमें फीस क्राइटेरिया की, तो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट की 750 रुपये फीस रहने वाली है, यानी यदि आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो 750 रुपये रहने वाली है। वहीं एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप की 200 रुपये फीस इसमें रहने वाली है और फीमेल कैटेगरी जिनके पास बिहार का डोमिसाइल होगा उनके लिए 200 रुपये फीस इसमें होगी। बाकी अदर सभी कैंडिडेट 750 रुपये फीस इसमें भरेंगे। बात कर लेते हैं इसमें एज क्राइटेरिया की, क्या एज रहने वाली है। तो इसमें मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है प्राइमरी टीचर के लिए वो 18 साल रखा गया है और वहीं टीजीटी या पीजीटी के लिए जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 21 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया 37 साल रखा गया है मेल के लिए और 40 साल रखा गया है फीमेल के लिए। यानी अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो 40 साल के एज के लिमिट में अपना फॉर्म भर सकती है, कोई इशू नहीं आने वाला, और 37 साल मेल के लिए इसमें बताया गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन इसमें जो भी मिलेगा वो बिहार के जो भी एससी एसटी या ओबीसी होंगे उनको मिलेगा, बाकी सभी अदर स्टेट में आएंगे उनको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। तो इस वजह से फॉर्म को आप ध्यान से भरिएगा और ये क्राइटेरिया अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो ही फॉर्म भरिएगा। बात की जाए इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो 69,706 पोस्ट हैं, यानी 69706 इसमें टोटल पोस्टें हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी खासी वैकेंसी है। बहुत अच्छा मौका है ये उन विद्यार्थियों के लिए जो भी टीचर बनने का सपना देखते हैं, तो इस वैकेंसी को आप ज़रूर फिल कीजिएगा। आइए और देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या इसमें क्राइटेरिया रहने वाला है क्वालिफिकेशन का, तो वो हम देख लेते हैं और कितनी पोस्ट है। मिडिल स्कूल टीचर जो है 6 से 8 तक के लिए उसमें 31,982 सीटें हैं और जो इसमें क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो बैचलर डिग्री मांगी गई है, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, तब आप इस फॉर्म को भर। इसके अलावा बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ और साथ में बीएड हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन सभी के अलावा आपके पास जो है अगर 3 ईयर का बीएड या एमएड है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यानी हर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर आप कंप्लीट करते हो तो फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लीजिए टीजीटी टीचर की 9th 10th लिए, 9th क्लास से 10th क्लास के लिए 18,877 पोस्टें हैं टीजीटी के लिए हैं ये, और इसमें जो है बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है मास्टर डिग्री होनी चाहिए या बैचलर डिग्री रिलेटिव सब्जेक्ट के साथ, 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए आपके और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो रिलेटिव सब्जेक्ट हैं उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री में और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एसटेट इसमें मांगा गया है, यानी सुपर टेट, वो आपका फर्स्ट एग्जाम क्लियर होना चाहिए तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके पास एसटेट है या नहीं है, अगर वो नहीं है तो आपको फॉर्म फिल करने में इश्यूज आएंगे, आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, तो इस बात का खास ध्यान रखें। टीजीटी क्लास 9th to 10th स्पेशल कैटेगरी के लिए 270 सीटें हैं इसमें और इसमें भी एसटेट मांगा गया है, इसके साथ ही 4 ईयर डिग्री मांगा गया है बीएड का और बीएससी एड का। इसके अलावा बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास या मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटिव सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स के साथ और बीएड की डिग्री होनी चाहिए, फिर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होगा तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं पीजीटी टीचर्स की 11th से 12th क्लास तक के स्टैंडर्ड के लिए कि क्या इसमें होगा, तो 18,577 सीटें हैं
मास्टर डिग्री मांगी गई है रिलेटिव सब्जेक्ट के साथ, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और बीएड की डिग्री होगी साथ में, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में जो है मास्टर डिग्री और रिलेटिव सब्जेक्ट और बीएड हो या पीएचडी हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और रिलेटिव सब्जेक्ट के साथ 45% मार्क्स हैं तो भी बीएड की डिग्री है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में एस्टेट होना चाहिए, सेकंड एग्जाम पास होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ये इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया था जो कि बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया था, जो भी इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं उनके पास मैक्सिमम ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाते हैं और वो इस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये इसमें वैकेंसी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। फिर भी यदि आप इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि अपनी इस वीडियो में हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारियां लेकर आते रहते हैं आपके लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और नई वैकेंसी में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।